हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे और मस्त तरीके से रह रहे होंगे दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे अंतिम 45 दिनों में डे 41 की। इस तरीके से हम अपने 45 दिन का महासंग्राम को कंप्लीट करने की ओर है। और पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम 18 दिसंबर को है। इसको ध्यान में रखते हुए आप लोगों के लिए एक रीजनिंग की रिविजन क्लास है, जो कि मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। रीजनिंग की वैसे तो मैंने बहुत सारी क्लास हैं जो कि आप लोगों को दे रखी है, लगभग 15 से 20 के आसपास क्लास मैंने आप लोगों को कराई हैं और डिटेल में भी कराई हैं। ऐसा नहीं कि कोई टॉपिक है उसमें मैंने एक ही क्वेश्चन करा रखा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हर एक टॉपिक को बहुत बारीकी से है मैंने करा रखा है, आप लोगों ने देखी हैं। बहुत से बच्चे जुड़े थे, आप लोगों को पसंद आई और आप लोगों को थैंक यू सो मच। आप लोग देखते हैं वीडियोज़ को। तो गाइज, आज हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण और ऐसे प्रश्न जिनको हमने अभी तक देखा नहीं, या फिर जो आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं और आप लोगों के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे, उन क्वेश्चन को आज हम देखेंगे। और लगभग हम 5 से 6 टाइप हैं जो कि आज देखेंगे। जैसे कि आज आपके सामने दिखाई दे रहा है पासा। पासा से संबंधित आप लोग इससे वाकिफ होंगे कि इस तरीके का आप लोगों को पेपर में प्रश्न पूछा जाता है और यहाँ से आप लोगों को एक नंबर का प्रश्न देखने को मिलेगा। तो अगर हम पासे की बात करें, पासा हर किसी ने खेला होगा। और पासे में 6 अंक होते हैं, यानी कि 6 फलक होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो कभी 1 आ जाता है, कभी 2 आ जाता है, कभी 3 आ जाता है, इस तरीके से। तो दोस्तों, इसमें एक ही टाइप है जो कि आपके एग्जाम में बनता है, इसलिए मैं आप लोगों को एक ही टाइप कराऊंगा। बाकी इसमें डिटेल में हम जाएंगे नहीं, क्योंकि अंतिम दिन है आप लोगों के लिए। इसलिए आप लोग इस ट्रिक को अगर फॉलो करेंगे तो आपका क्वेश्चन निश्चित ही सही हो जाएगा। देखो, पहला प्रश्न आप लोगों के पास है, 3 पासे दे रखे हैं, मतलब पासा तो एक ही है। इस प्रश्न में अगर हम देखें तो 3 पासे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये पासा एक ही है। इसको अलग अलग व्यू से देखा है। मैं अगर यहाँ पर खड़ा हूँ, मेरे सामने पासा इस तरीके से रखा है, तो मैं अपनी तरफ से देख रहा हूँ, तो मेरे को कौन कौन से इसके फलक दिखेंगे। अगर मेरे सामने कोई बंदा है वो इस पासे को देख रहा होगा तो उसको तो कुछ अलग ही दिखाई दे रहा होगा, ठीक है? तो इसलिए पासे में आमने सामने की भुजाएं छुप जाती है। जैसे मैं कहूँगा, मेरे सामने अगर पासा है तो मेरे सामने के पासे का जो विपरीत फलक है वो छुप जाएगा, मेरे को नहीं दिखाई देगा। तो ऐसे प्रश्न यहाँ पर पूछ दिए जाते हैं कि इसके विपरीत क्या होगा, एक एक के विपरीत क्या होगा, 2 के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत क्या होगा। तो इस तरीके के प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं। जैसे कि अगर हम पहले पासे में देखें, पासा उछाला और इस तरीके से पासा अगर गिर गया, तो अगर हम सामने से पासे को देख रहे हैं तो पासे में 2 दिख रहा है, 1 दिख रहा है और 3 दिख रहा है, यानी कि इसमें 3 ही अंक हैं जो कि दिखाई दे रहे हैं पहले वाले पासे में, बाकी 3 अंक हैं जो कि छुपे होंगे। एक अंक तो इस 1 के पीछे छुपा होगा, एक इस 3 के पीछे छुपा होगा और एक इस 2 के नीचे से छुपा होगा, ठीक है दोस्तों? इस प्रकार से छुपा होगा। अब हमने जब उसी पासे को और उछाला और वो जब नीचे ज़मीन पर गिरा, तो उसके हमको 3 चीज़ें और दिखी, 1, 3, 5। अब हमको 1, 3, 5 इसमें दिखाई दिया। जब हमने इस पासे को तीसरी बार उछाला तो 2, 4, 3 हमको दिखाई दिया। अब हमसे प्रश्न ये पूछ रहा है कि 3 के विपरीत क्या होगा। हमसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, 3 के विपरीत क्या होगा। तो हम ऐसे जब भी प्रश्न आते हैं विपरीत वाले, तो आप लोगों को एक ट्रिक यहाँ पर फॉलो करनी पड़ती है। हम क्या करेंगे, पासे में क्लॉकवाइज चलेंगे, या फिर एंटी क्लॉकवाइज भी आप जा सकते हैं, घड़ी की दिशा के क्रम में या फिर घड़ी की विपरीत दिशा के क्रम में। अगर मैं पहले पासे में बात करूं घड़ी की दिशा में, तो मैं इस तरीके से पढ़ूंगा। ये देखो घड़ी की दिशा ये है, इस तरीके से मैं इस पासे में आऊंगा, इस तरीके से देखो ये घड़ी की दिशा की क्रम है। आप लोग विपरीत क्रम में भी जा सकते हैं, लेकिन दो अलग अलग ट्रिक क्यों पढ़नी, एक ही ट्रिक पढ़ो ना। एक ट्रिक से ही जब आपका आंसर निकल जा रहा है तो विपरीत क्रम में क्यों जाना। तो आप लोग घड़ी की दिशा में जाओगे और दो पासों को आप लोग क्या करोगे, तुलना करोगे। पहले के दो पासों की अगर हम तुलना करेंगे तो हमको ये देखना पड़ेगा कि कौन सी संख्याएं हैं जो कि दोनों पासों में मेरे को दिखाई दे रही हैं। तो पहले पासे में 1 है और दूसरे पासे में भी 1 है, तो यानी कि मेरे को यहाँ पर भी 1 दिखाई दिया और यहाँ पर भी 1 दिखाई दिया, यानी कि दोनों में समान है ये। इसी प्रकार इसमें 3 है,
इसमें भी तीन है, तो यहाँ पर भी तीन हमको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी तीन दिखाई दे रहा है। जब भी ऐसी कंडीशन बनेगी कि दो पासों की अगर हम तुलना कर रहे होंगे और दोनों पासों में दो दो चीज़ें एक समान होंगी, तब हम इस ट्रिक को नहीं लगा पाएंगे, ये वाला नियम हम यहाँ पर फॉलो नहीं कर पाएंगे। तब हम क्या करेंगे, जब ऐसा कंडीशन आ जाती है कि दो दो एक जैसे दिखने लगते हैं, तो हम तीसरे पासे के पास जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, पहले पासे की तुलना करेंगे अब हम इस तीसरे वाले पासे से, इस तीसरे वाले पासे से पहले वाले की तुलना करेंगे। तो हम इसमें अगर देखें, हम अगर इसमें देखें कि क्या क्या समान दिख रहा है, तो पहले वाले में देखो दो दिख रहा है, इसमें भी दो दिख रहा है। दूसरे पहले वाले में देखो यहाँ तीन दिख रहा है, यहाँ पर भी तीन दिख रहा है। तो ये वाली ट्रिक फिर से काम नहीं आई हमारी, कि दोनों की जगह दो पासों में हमको दो दो एक अंक है जो कि दिखाई दे। जब भी ऐसा होगा तब हम ये ट्रिक नहीं लगा पाएंगे। तो हमें क्या करना है, अब हमने पहले और तीसरे को भी देखा, हमने पहले और तीसरे की भी तुलना कर दी, लेकिन अब हमने किस किस की तुलना करनी है, अब हमने दूसरे और तीसरे की तुलना करनी है। ठीक है, इस तरीके से हम तुलना करते जाएंगे। तो हम अगर इसमें देखें दूसरे और तीसरे वाले पासे में, तो इसमें हमको क्या दिखाई दे रहा है जो कि एक जैसा है, इसमें हमको तीन दिखाई दे रहा है जो कि एक जैसा है, इसमें भी हमको तीन दिखाई दे रहा है। इसके अलावा कोई भी ऐसा अंक नहीं है जो कि एक जैसा हमको इसमें दिखाई दे रहा है। तो जब हमको तीन है, कोई एक ऐसा अंक है जो कि एक समान है, तब हम उसमें ये घड़ी की दिशा वाला नियम लगाएंगे। तो पहले वाले पासे में देखो तीन आप लोगों ने लिखा, घड़ी की दिशा के क्रम में अगर मैं चलूंगा, तीन के बाद क्या आ जाएगा, पांच आ जाएगा, तो पांच ऐसे लिख दो। पांच के बाद अगर मैं घड़ी की दिशा के क्रम में चलूंगा, तो पांच के बाद क्या आ गया, एक आ गया, तो मैंने एक लिख दिया। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार अब हम तीसरे वाले पासे में भी जाएंगे, और तीन कहाँ पर है, यहाँ पर है तीन। यहीं से शुरू करेंगे जहाँ पर से दोनों में एक जैसा दिखाई दे रहा है, तो दोनों में एक जैसा तीन था, तो मैं तीन से शुरू करूँगा। इसी के नीचे से लिख देता हूँ मैं पहले पासे के, जो मैंने पहले पासे के अंक लिख रखे हैं उसी के नीचे से लिख देता हूँ। अब हमको यहाँ पर दिखाई दिया कि तीन तीन एक समान है, ठीक है। उसके बाद मैं घड़ी की दिशा में अगर इस तरीके से बढ़ूंगा, तो तीन के बाद क्या आएगा, तीन के बाद दो आ जाएगा, तो मैं दो लिख देता हूँ। तीन के बाद मैं क्या लिख देता हूँ, दो लिख देता हूँ। दो के बाद मैं क्या लिखूंगा, घड़ी की दिशा में आऊंगा तो चार लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा, मैं चार लिख दूंगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जो मैंने ऊपर और नीचे लिखे ये एक दूसरे के विपरीत पासे होंगे। ये क्या होंगे, एक दूसरे के विपरीत पासे होंगे। तो पासे में कितने अंक होते हैं, पासे में छह अंक होते हैं, एक दो तीन चार पाँच छह। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि पाँच के विपरीत में क्या है, दो है, तो पाँच के विपरीत में दो लिख लेते हैं हम यहाँ पर। एक के विपरीत में चार लिख लेते हैं, एक के विपरीत में चार लिख लेते हैं, तो चार के विपरीत में एक भी तो होगा, इसको भी हम लिख लेते हैं, उल्टा भी तो है ये, एक के विपरीत में चार है तो चार के विपरीत में एक भी तो होगा, तो मैंने लिख लिया। पाँच के विपरीत में दो है तो दो के विपरीत में पाँच भी तो होगा, तो मैंने ये पाँच भी लिख दिया। अब मेरे पास कौन कौन से अंक बचे, एक बचा तीन, एक बचा छः। तो तीन और छः का विपरीत संबंध होगा, यानी कि तीन के विपरीत में होगा छः और छः के विपरीत में होगा तीन। अब मेरे को प्रश्न क्या पूछ रहा था, प्रश्न ये पूछ रहा था कि तीन के विपरीत में कौन सा अंक होगा, तो तीन के विपरीत में हमको क्या दिखाई दे रहा है, छः दिखाई दे रहा है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हम इस ट्रिक को अपनाएंगे। अब इसी ट्रिक को हम इस दूसरे वाले प्रश्न में भी अपनाएंगे, तो चलिए देखते हैं। तो अगर मैं इसमें बात करूं, छः के विपरीत मेरे को बताना है, मैं छः के विपरीत ऊपर से लिख देता हूं कि मेरे को इसमें क्या बताना है, छः के विपरीत बताना है कि कौन सा अंक आएगा। तो हम क्या करेंगे, हमने क्या कहा, पहले और दूसरे पासे की पहले तुलना कर देंगे। पहले और दूसरे पासे की अगर हम तुलना करें, तो इन दोनों में कौन सा अंक है जो कि एक जैसा हमको दिखाई दे रहा है। तो आप लोग देख रहे हैं पाँच यहाँ पर भी है, पाँच यहाँ पर भी, यानी कि पाँच इसमें भी है, पाँच इसमें भी है। क्या इसके अलावा कोई और अंक है जो कि इन दोनों में एक जैसा है, बिल्कुल नहीं है। यानी कि अब हमारी ट्रिक यहीं पर काम आ जाएगी, पहले के दो पासों में, पहले के दो पासों में ही है जो कि हमारी ट्रिक काम आ जाएगी। तो हम इसको क्या करेंगे, घड़ी की दिशा में चलेंगे। अब पहले वाले में चलेंगे पाँच, पाँच के बाद हमने चला एक, एक के बाद हम चले छः,
एक के बाद हम चले छह। दूसरे पासे में हम पांच से शुरू करेंगे, तो पांच के नीचे मैंने पांच लिखा, यानी कि पांच पांच एक जैसा हो गया। उसके बाद दो लिखूंगा मैं, उसके बाद में क्या लिखूंगा, तीन लिख दूंगा। तो मेरे से क्या पूछ रहा था दोस्तों, मेरे से प्रश्न में पूछ रहा था कि छह के विपरीत क्या होगा, तो मेरा उत्तर यहीं पर आ गया। देखो कि छह के विपरीत क्या है, यहां पर तीन है। छह के विपरीत क्या है, तीन है, जो कि इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगर हमसे ये कह देता कि चार के विपरीत क्या होगा, इसमें चार के विपरीत क्या होगा, तो हम फिर यही वाला नियम लगाएंगे कि एक दो तीन चार पाँच छः। हमको क्या दिखा, एक के विपरीत दो है तो एक के विपरीत दो लिख दो, एक के विपरीत दो है तो दो के विपरीत एक भी तो होगा, इसका उल्टा भी तो यही होगा, ठीक है। छः के विपरीत तीन है तो छः के विपरीत तीन लिख देते हैं, तो तीन के विपरीत छः भी तो होगा, यानी कि उल्टा उल्टा और सुलटा एक जैसा होगा ये। अब हमारे पास क्या बचा, चार और पाँच बचे इसमें, यानी कि चार के विपरीत क्या होगा, पाँच, और पाँच के विपरीत क्या होगा, चार। तो इस प्रकार हम किसी भी अंक, जो भी हमसे प्रश्न में पूछ लिया जाएगा, छः के विपरीत पूछ लेगा तब हम बता देंगे, पाँच के विपरीत पूछेगा तब भी बता देंगे, एक के विपरीत पूछेगा वो भी बता देंगे। हम इस तरीके से हर एक पासे के हर एक विपरीत फलक हम बता देंगे, अगर हम इस तरीके से करेंगे। एक यही टाइप है जो कि आप लोगों के एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, तो इसलिए मैं आप लोगों को इसी टाइप के क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। बाकी पासे में बहुत सारे टाइप हैं, वो बन जाते हैं, लेकिन आप लोगों को उतने टाइप नहीं पढ़ने हैं। अब हम बात करेंगे तीसरे प्रश्न में। तीसरा प्रश्न हम देखते हैं, आप लोग इसको नोट डाउन कर लें या फिर आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों के एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं ये, कभी ना कभी आप लोगों के एग्जाम में आए हुए प्रश्न ही हैं जो कि मैं आप लोगों को करा रहा हूं। अब हम बात करेंगे तीसरे प्रश्न की ओर। देखो तीसरे वाले पासे में भी हम इसी तरह की ट्रिक अपनाएंगे, लेकिन आप लोगों को इसमें क्या दिखाई दे रहे हैं, चार पासे दिखाई दे रहे हैं, चार पासे। हम सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, पहले और दूसरे पासे की तुलना करना। पहले और दूसरे पासे की अगर हम तुलना करें तो यहां पर क्या है, चार है, और यहां पर भी चार है, दोनों में क्या है, एक जैसा चार है। क्या इसके अलावा इन दोनों में कोई एक जैसा अंक दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो हम यहीं पर तुलना कर लेते हैं। हमको बाकी और पासों की तुलना करने की जरूरत है ही नहीं, क्यों, क्योंकि पहले ही दो पासों में हमको एक ही ऐसा अंक दिखा जो कि एक जैसा है। अगर दो अंक एक जैसे होते तब हम फिर दूसरे पासों की तुलना करते। तो अगर मैं इसमें देखूं चार, तो मैंने लिखा चार, चार के बाद मैं घड़ी की दिशा में चलूंगा, चार के बाद आ जाएगा पांच, पांच के बाद मैं घड़ी की दिशा में चलूंगा तो छह आ जाएगा। अगर मैं इसमें चलूं चार से शुरू करूंगा, क्यों, क्योंकि चार ही है जो कि एक जैसे हैं, तो इसलिए मैं जहां से एक जैसे जो अंक होंगे वहीं से हम शुरू करेंगे। तो यहां से अगर मैं शुरू करूंगा तो चार के बाद घड़ी की दिशा में एक आ जाएगा, और एक के बाद क्या आ जाएगा, दो आ जाएगा, एक के बाद क्या आ जाएगा, दो आ जाएगा। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि चार चार तो एक जैसा हो गया, पांच के विपरीत एक और छह के विपरीत दो। तो इसमें मेरे को क्या बताना था, तीन के विपरीत क्या होगा, तो तीन के विपरीत हमें नहीं पता चल रहा, तो हम क्या करेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः। इसमें हमने क्या देखा, एक के विपरीत पाँच है, पाँच और एक एक दूसरे के विपरीत हैं, तो मैं यहाँ पर बना दूंगा। दो के विपरीत छः है तो दो के विपरीत छः वाला बना देंगे हम। अब बचे कौन कौन से, तीन और चार, तीन और चार बचे तो ये एक दूसरे के क्या होंगे, विपरीत होंगे, यानी कि आमने सामने होंगे, एक दूसरे के विपरीत, तीन के पीछे चार, चार के पीछे तीन। तो इस प्रकार मेरे से क्वेश्चन में तीन के विपरीत पूछ रहा था, तो तीन का विपरीत क्या हो गया, चार हो गया, तो मेरा राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, चार हो जाएगा। अब हम चलेंगे चौथे प्रश्न में। चौथा प्रश्न में भी आप लोगों को चार पासे हैं जो कि दिखाई दे रहे हैं। इन चारों पासों में से हमने देखना है और तुलना करके आंसर निकालना है। हम अगर बात करें पहले के दो पासों में, पहले के दो पासों में अगर हम बात करें तो आप लोगों को इसमें पांच दिखाई दे रहा है, इसमें भी पांच दिखाई दे रहा है जो कि एक जैसे हैं। उसके अलावा तीन और तीन, यहां पर भी तीन है, यहां पर भी तीन है, तो दो अंक हो गए जो कि एक जैसे हो गए, तो हम पहले और दूसरे की तुलना नहीं करेंगे। अब हम बात करेंगे पहले और तीसरे की तुलना।
दूसरे को कैंसिल कर दो, तुलना नहीं करनी है। पहले और तीसरे की तुलना अब हम करेंगे। पहले और तीसरे में अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या है, तीन। पहले वाले में तीन है और दूसरे तीसरे वाले में भी तीन है। तीन और तीन एक जैसे हैं। इसके अलावा क्या कोई अलग अंक है जो कि एक जैसा दिखाई दे रहा? नहीं दिखाई दे रहा हमको, तो इसलिए हम अब इन दोनों पासों की तुलना कर लेंगे। जब मैं इन पासों की तुलना करूंगा तो मैं तीन से चलूंगा, क्योंकि तीन ही है जो कि एक जैसे हैं। तीन से मैं चला घड़ी की दिशा में तो एक, एक के बाद मैं घड़ी की दिशा में चला तो मेरे पास आ गया पाँच। इसमें अगर मैं बात करूंगा तीन, तीन के बाद मैं आऊंगा चार पर, तीन के बाद चार पर, और चार के बाद दो पर आ जाऊंगा। तो मेरे से प्रश्न पूछा था चार के विपरीत क्या होगा, तो आप लोग यहां पर देख रहे हैं कि चार के विपरीत एक होगा। अगर मेरे से छह के विपरीत पूछ लेता तो क्या होता, उसको भी हम देख लेते हैं। एक दो तीन चार पाँच छह, इस तरीके से एक के विपरीत चार है तो मैंने लिख दिया एक के विपरीत चार, तो हम चार के विपरीत एक भी तो लिखेंगे, बिल्कुल लिख दिया। पाँच के विपरीत दो है तो मैं पाँच के पीछे से दो लिख देता हूँ और दो के पीछे से पाँच लिख देता हूँ। अब मेरे पास जो बचा वो बचा तीन और छः, यानी कि तीन के पीछे से होगा छः और छः के पीछे से होगा तीन। तो इस प्रकार हम किसी भी पासे के अंक के पीछे का अंक है बता सकते हैं, इनके विपरीत फलक पर क्या होगा हम बता सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार हमारा पासा का जो एक टाइप था वो कंप्लीट हो जाता है। आई होप आप लोगों को ये ट्रिक और ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपके एग्जाम में प्रश्न पूछता है तो आप कर ले जाना। तो अब हम दूसरे टाइप में चलेंगे, मतलब दूसरे टाइप मतलब दूसरे क्वेश्चन में चलेंगे। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों आप लोगों को एक प्रश्न है जो कि यहाँ पर इस तरीके का आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है और आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा, वाकिफ होंगे आप लोग इस प्रश्न से कि आलेख विश्लेषण से एक प्रश्न आप लोगों से पूछ लिया जाता है। इस प्रश्न में आप लोगों को मैं प्रश्न समझा देता हूँ कि प्रश्न किस तरीके से है और फिर हम इसके उत्तर पर जाएंगे कि इसमें पूछा क्या जा रहा है हमसे। इसमें एक चित्र है और इस चित्र में दो तीन चीज़ें हैं जो कि दिखा रखी है। इसमें क्या क्या दिखा रखा है देखो, एक तो लिख रखा है खिलाड़ी, एक लिख रखा है डॉक्टर और एक लिख रखा है कलाकार। अब हमने यहां पर जो खिलाड़ी है, खिलाड़ी को किससे दर्शा रखा है इस चित्र में, इस वृत्त से हमने इस खिलाड़ी को दर्शा रखा है, ठीक है दोस्तों। ये खिलाड़ी का संबंध किससे दिखा रखा है कि ये जो वृत्त के अंदर होंगे, जो भी वृत्त के अंदर होंगे वो क्या होंगे, खिलाड़ी होंगे। जैसे कि हम देख रहे हैं वृत्त के अंदर क्या है, 25 है, 4 है, 22 है और 3 है, ये क्या है, खिलाड़ी हैं। अगर हम डॉक्टर की बात करें तो ये त्रिभुज जो है, वो त्रिभुज इसके अंदर जो ये त्रिभुज बन रहा है वो किसको प्रदर्शित कर रहा है, वो इंडिकेट कर रहा है डॉक्टर को। त्रिभुज के अंदर क्या क्या है, 4, 3, 8 और 27, ये क्या है, त्रिभुज के अंदर है, यानी कि ये सभी क्या है, डॉक्टर है। ये 4, 3, 8 और 27 क्या है, डॉक्टर है। अब ये कलाकार देखो, कलाकार को इसने वर्ग से दिखा रखा है, ये जो वर्ग है ये कलाकारों का वर्ग है। इसमें कौन कौन शामिल है, इसमें 22 शामिल है, 3 शामिल है, 8 शामिल है और 30 शामिल है। तो आप लोग इस प्रकार से भी इसको कह सकते हैं कि ये कलाकारों का घर क्या है, कलाकारों का घर है वर्ग। इसमें कौन कौन कलाकार रह रहे हैं, 22 नाम का कलाकार रह रहा है, 3 नाम का कलाकार है, 8 नाम का कलाकार है और 30 नाम का कलाकार है। तो इतने कलाकार हैं इसमें रह रहे हैं। और डॉक्टरों का घर क्या है, त्रिभुज के अंदर है। और डॉक्टर कौन कौन है, 4, 3, 8 और 27। अगर हम खिलाड़ियों की बात करें तो इस गोले में है जो कि ये अपना घर बनाए हुए हैं और इसके अंदर कौन कौन है, 25, 4, 22 और 3। आई होप आप लोगों को इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि ये क्या है और इसमें कौन कौन शामिल है। अब हम प्रश्न में आ जाते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है देखो, कितने डॉक्टर खिलाड़ी हैं। अब हमने एक एक करके इस प्रश्न पर देखना है। अब हम शुरुआत से चलेंगे, कितने डॉक्टर, तो डॉक्टर जैसे ही इसने डॉक्टर बोला तो हमको डॉक्टर के घर के अंदर जाना पड़ेगा। तो डॉक्टर का घर है त्रिभुज, डॉक्टर का घर है त्रिभुज, इस त्रिभुज के अंदर अब हम जाएंगे। इसके बाहर तो हमने जाना ही नहीं है, इसके बाहर जो भी होंगे वो हमारे काम के नहीं होंगे।
इसके बाहर कौन कौन है देखो, 25, 22 और 30, ये तो हमारे काम के है ही नहीं। कितने डॉक्टर हैं जो खिलाड़ी हैं, कितने डॉक्टर खिलाड़ी हैं। अब देखो डॉक्टर इसने कहा तो हम त्रिभुज के अंदर चले गए, डॉक्टर कहा तो हम इस त्रिभुज के अंदर चले गए, इसमें कौन कौन आ गया, 4, 3, 8 और 27। तो अगर इसने डॉक्टर कहा तो कौन कौन आ गया, 4, 3, 8 और 27, ये हमने अलग से लिख लिए। इसमें इसने क्या कहा, खिलाड़ी कौन है, इसमें इसने अब खिलाड़ी की भी बात कर दी। खिलाड़ी के अंदर कौन होंगे, खिलाड़ी के अंदर वो होंगे जो कि इस गोले में होंगे। इस गोले में कौन कौन है, इस गोले में 22 भी है, 25 भी है और 4 भी है, 3 भी है। लेकिन हमने ये देखना है कि जो डॉक्टर हैं इसी में खिलाड़ी कौन है। हमने इन 25, 22 और 30 में तो जाना ही नहीं है, मैंने पहले कह दिया। तो अब हमारे पास खिलाड़ी कौन कौन बचे, खिलाड़ी बचा 4 और 3, 4 और 3 है जो कि मेरे पास खिलाड़ी बचा। अब ये कह रहा है कि और कलाकार भी है, वो डॉक्टर है, खिलाड़ी है और कलाकार भी है। देखो डॉक्टर और खिलाड़ी कौन कौन है, ये 4 और 3 है जो कि डॉक्टर और खिलाड़ी दोनों हैं। ये डॉक्टर वाली सीरीज होगी 4, 3, 8, 27, और ये 4 और 3 क्या होगी, कि ये होगी खिलाड़ी, ये होगी क्या, खिलाड़ी होगी। अब हमसे कह रहा है कि कलाकार कौन है इनमें से। अब कलाकार में अगर हम आए तो कलाकार में देखो वर्ग के अंदर आना है, और वर्ग में भी हमने वहीं पर जाना है जो कि इस त्रिभुज और इस वृत्त से संबंध रखता होगा। क्यों, डॉक्टर और खिलाड़ी भी बोल रहा है वो, हमने इस 25, 22 और 30 में तो जाना ही नहीं है। तो कलाकार कौन कौन से बचे, 3 और 8 बचे, 3 और 8 बचे, 3 और 8 बचे, यहां पर मैं लिख लेता हूं 3 और 8। अब इसने क्या कहा था कि खिलाड़ी भी होना चाहिए, डॉक्टर भी होना चाहिए, कलाकार भी होना चाहिए। तो तीनों कौन है, तीनों हैं 3, ये जो 3 हैं वो खिलाड़ी भी हैं, डॉक्टर भी हैं और कलाकार भी है। तो हमारा जो उत्तर हो गया इसका, कितने डॉक्टर खिलाड़ी और कलाकार हैं, वो है हो गया 3। तो 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, समझ में आया होगा आई होप आप लोगों के। अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखो कितने कलाकार खिलाड़ी हैं। अब हम कलाकारों में जाएंगे, कलाकारों में जाएंगे तो कलाकार हो गया इस वर्ग के अंदर। इस वर्ग के अंदर कलाकार में कौन कौन है, देखो कलाकार में कौन कौन है इस वर्ग के अंदर, 22, 3, 8 और 30, 22, 3, 8 और 30, ये कौन है, कलाकार है वर्ग के अंदर। कितने कलाकार खिलाड़ी हैं, ये खिलाड़ी हैं कलाकार। तो खिलाड़ी में हम कहां पर जाएंगे, इस वृत्त के अंदर जाएंगे, इस वृत्त के अंदर, इस वृत्त के अंदर भी वहां पर जाएंगे जो कि कलाकार होंगे, और कलाकार कौन होंगे जो कि वर्ग के अंदर होंगे। यानी कि ये बाहर, वर्ग के बाहर वालों का तो कोई काम ही नहीं है। तो वर्ग के अंदर कौन कौन होंगे, 22 और 3, 22 और 3 होंगे जो कि वर्ग के अंदर खिलाड़ी हैं, 22 और 3, 22 और 3 है जो कि क्या होगी, खिलाड़ी होगी। ये 23 नहीं, 22 होगा, ठीक है, ये 22 होगा। अब हमसे कह रहा है परंतु डॉक्टर नहीं है। अब इनमें से इसने डॉक्टर नहीं होना है, तो डॉक्टर हमारे पास कौन सा है जो कि इसमें आ रहा है। आप लोग देख रहे होंगे डॉक्टर का जो है वो त्रिभुज है, डॉक्टर का त्रिभुज है, त्रिभुज के अंदर उसने नहीं आना चाहिए। तो इनमें से ऐसा कौन सा है जो कि कलाकार भी है, खिलाड़ी भी है और डॉक्टर के अंदर नहीं आ रहा है। तो डॉक्टर के अंदर ये 22 है जो कि नहीं आ रहा है, ये डॉक्टर के अंदर 22 नहीं आ रहा है। लेकिन अगर हम 3 की बात करें, अगर मैं यहाँ पर 3 देखता तो ये डॉक्टर के अंदर इसमें आ जाता, तो ये मेरा उत्तर नहीं होता। तो डॉक्टर नहीं है बोल रहा है, तो डॉक्टर कौन नहीं है, ये 22 डॉक्टर नहीं है। तो हमारा जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 22, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब हम एक प्रश्न इसी का और कर लेते हैं, तब तक आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए और समझ लीजिए। दोस्तों अब वही प्रश्न है, लेकिन इस प्रश्न को घुमा दिया है इसने। घुमाना क्या है, इसने थोड़ा सा लिख दिया है और फिर
एक डायग्राम है उसको बता के आप लोगों से प्रश्न पूछ रहा है। प्रश्न क्या पूछ रहा है देखो, त्रिभुज लड़कियों को प्रकट करता है। अब यहाँ पर ये जो त्रिभुज है वो किसको प्रकट कर रहा है, लड़की। तो आप लोग यहाँ पर डायरेक्टली इस त्रिभुज के वहाँ पर लिखेंगे कि ये कौन है, लड़कियाँ हैं। ये त्रिभुज कौन है, लड़कियाँ हैं। वर्ग खिलाड़ियों को प्रदर्शित कर रहा है, ये जो वर्ग है वो किसको प्रदर्शित कर रहा है, खिलाड़ी को। तो यहां पर मैं लिख देता हूं खिलाड़ी, ये वर्ग जो है वो खिलाड़ी को प्रदर्शित कर रहा है। और व्रत उनके प्रशिक्षकों को प्रदर्शित करता है। ये जो व्रत है, ये जो व्रत है गोला है वो किसको इंगित कर रहा है, वो किसको निरूपित कर रहा है, वो किसको प्रदर्शित कर रहा है, वो प्रशिक्षक को निर्देशित कर रहा है। प्रशिक्षित, प्रशिक्षित मतलब ट्रेनर, जो इनका ट्रेनर होगा, प्रशिक्षक लिख देता हूं मैं, ठीक है। तो अब हमें क्या प्रश्न यहां से आगे को पढ़ो। तो अब हमें क्या करना है, उन लड़कियों के बारे में चिन्हित करना है जो खिलाड़ी तो हैं पर प्रशिक्षक नहीं है। हमें उन लड़कियों के बारे में बताना है, लड़कियों के बारे में बताना है। तो लड़कियां कितनी हैं जो कि इस त्रिभुज के अंदर होंगी, वही तो लड़की होंगी। देखो कौन कौन है लड़कियां, मैं लिख देता हूं, लड़कियां लिखो इस तरीके से, आप लोग लिखेंगे रफ पेज में। लड़कियां कौन कौन है, ए जो कि त्रिभुज के अंदर होंगी वही लड़कियां होंगी, बाकी और लोग नहीं होंगे। तो ए बी और डी, ए बी डी, ये क्या है, लड़कियां हैं। अब आपका उत्तर इन तीनों में से ही होगा, इसके अलावा कोई नहीं होगा। आप लोग अपने ऑप्शन में भी एलिमिनेट कर सकते हैं, अगर आप लोगों को इन तीनों के अलावा कोई ऑप्शन में दिखता है तो आप बोलेंगे कि ये उत्तर हो ही नहीं सकता 100%, ठीक है। तो आप लोग इस तरीके से भी इसको समझें। उसके बाद ये क्या कह रहा है, उन लड़कियों के बारे में चिन्हित कर रहे हैं, हमने कर दिया लड़कियों को, जो खिलाड़ी तो हैं, खिलाड़ी। अब देखो खिलाड़ी तो हैं, इनमें से खिलाड़ी कौन कौन है, देखें ए बी डी में से खिलाड़ी कौन है, खिलाड़ी वो हैं जो कि इस वर्ग के अंदर आ रहे हैं। देखो इस वर्ग के अंदर कौन कौन आ रहे हैं, जो कि इस त्रिभुज के अंदर भी आ रहे थे, बी और डी। यहां पर देखो ए को अब हमने गायब कर दिया, क्यों, क्योंकि ए खिलाड़ी है ही नहीं, बाहर है वो इस वर्ग के। तो आप लोग देख रहे हैं बी और डी है जो कि इस रेस में अभी भी बना हुआ है। ए तो कैंसिल हो गया, ए कैंसिल हो गया। अब क्या कह रहे हैं, पर प्रशिक्षक नहीं है, ये जो है प्रशिक्षक नहीं होना चाहिए। हमारे पास कौन कौन बचा था, बी और डी बचा था, इनमें से प्रशिक्षक नहीं होना चाहिए। तो इनमें से आप लोग देख रहे हैं कि प्रशिक्षक कौन है, ये गोला है, और ये गोले के अंदर कौन आ रहा है, डी आ रहा है। तो डी क्या होगा, प्रशिक्षक होगा, लेकिन ये खिलाड़ी और लड़कियों में हमने नहीं शामिल करना है। तो हम इस डी को क्या कर देंगे, काट देंगे। तो हमारे पास अब कौन बचा, हमारे पास सिर्फ बचा बी। तो बी हमारे पास इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, जो कि लड़कियों के बारे में चिन्हित करता है, खिलाड़ी भी है लेकिन प्रशिक्षक नहीं है। तो इस तरीके से आप लोगों को इस प्रश्न को हल करना है। तो चलिए अब दूसरे प्रश्न में हम आते हैं, आप लोग इसको तब तक नोट डाउन करें। दोस्तों अब आपके सामने कुछ दो प्रश्न और हैं, इस तरह के प्रश्न भी आप लोगों से पूछे जाते हैं और आप लोग इनको गलत करके आ जाते हैं। तो आज हम इस क्लास में इन क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे, और आपके एग्जाम में अगर इस तरह के प्रश्न पूछते हैं तो आप गलत करके मत आना, ठीक है। ठीक है दोस्तों, देखो पहला प्रश्न क्या कह रहा है, हमें यहाँ पर एक इक्वेशन है जो कि हल करनी है, और उस इक्वेशन को हम देख लेते हैं पहले। ये हमारे पास इक्वेशन है, इसको हल करके ये जो क्वेश्चन मार्क है वो क्या आएगा हमको ये बताना है। बहुत से बच्चे इस वाले प्रश्न में क्या करने लग जाते हैं, मैं बताता हूँ वो क्या करने लग जाते हैं, इसको डायरेक्टली सॉल्व करके उत्तर निकाल देते हैं। आप लोगों ने ऐसा नहीं करना है, क्यों नहीं करना है, क्योंकि आपको डायरेक्शन, आपको निर्देश जो है वो अलग दे रखे हैं। आपको निर्देश क्या कर रखे हैं, अलग दे रखे हैं, और निर्देश क्या है उनको हम देख लेते हैं। निर्देश ये है कि प्लस का अर्थ भाग है, प्लस का अर्थ क्या है, भाग है,
तो हम प्लस की जगह क्या लगाएंगे, भाग लगाएंगे दोस्तों, प्लस की जगह हम क्या लगाएंगे, भाग लगाएंगे। माइनस का अर्थ गुणा है, तो हम माइनस की जगह क्या लगाएंगे, गुणा लगाएंगे। गुणा का अर्थ ऋण है, जहां पर गुणा होगा वहां पर हम क्या लगाएंगे, ऋण लगाएंगे। और भाग का अर्थ प्लस है, जहां पर भाग होगा वहां पर हम क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। इतना कन्वर्जन है जो कि हम लोगों ने इसमें करना है। अब हम कर देते हैं तो ये नई इक्वेशन क्या बनेगी, हम लोग इसको ऐसे ही लिखेंगे। देखो 16, 16 के बाद भाग है और भाग की जगह मुझे क्या लगाना है, देखो भाग का अर्थ प्लस है तो भाग की जगह मुझे प्लस लगाना है। भाग की जगह मुझे क्या लगाना है, प्लस लगाना है। उसके बाद 8 लिखेंगे हम, 8 के बाद माइनस है। इस माइनस का अर्थ क्या है, इस माइनस का अर्थ है गुणा, तो माइनस की जगह हम क्या लगा देंगे, गुणा लगा देंगे। गुणा लगा दिया, उसके बाद हमने क्या लिखना है, 4, 4 लिखा। 4 के बाद प्लस, प्लस का अर्थ देखो क्या है, प्लस का अर्थ है भाग, तो मैं यहां पर अब क्या करूंगा, भाग करूंगा। उसके बाद मैं क्या लिख दूंगा, 2 लिखूंगा। 2 के बाद क्या है, गुणा, और गुणा का अर्थ क्या था, ऋण, तो ऋण लिखूंगा। और 4 बराबर क्या आएगा, अब इस प्रश्न का उत्तर मुझे करना है। अब देखो दोस्तों, इस टाइप के प्रश्न को हल करने के लिए हमको एक नियम का पालन करना पड़ता है, और वो नियम है BOD, BODMAS। ये क्या है, बॉड मास। ये प्रश्न, ये जो नियम है, इसमें हमको बॉड मास लगाना है। बॉड मास क्या होता है, देखो बॉड मास क्या होता है, बी से ब्रैकेट, अगर इस प्रश्न में कहीं पर भी ब्रैकेट लगा होता तो हम सबसे पहले क्या करते, ब्रैकेट ओपन करते, ओ से ओपन या फिर ऑफ, जहां पर भी का लगा होगा उसको हम करेंगे। लेकिन आप लोगों की एग्जाम में इतना टफ नहीं आएगा, आप लोगों को ब्रैकेट और इस ओ का काम नहीं देखने को मिलेगा पुलिस कांस्टेबल में। आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, उसके बाद डी से डिवीजन यानी कि भाग, आपको फिर क्या करना है, भाग करना है सबसे पहले। एम से मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मतलब गुणा, और ए से एडिशन, एडिशन मतलब जोड़, और फिर सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है माइनस करना। यानी कि हमको जब भी ऐसा प्रश्न दिखेगा जिसमें हमको प्लस माइनस गुणा भाग सब कुछ दिख जाएगा, ऐसे प्रश्नों में हमको बॉड मास का नियम लगाना है। बॉड मास के नियम में हमने सबसे पहले भाग करनी है, फिर गुणा करनी है, फिर जोड़ करना है, फिर घटाना करना है। अगर हम इसी प्रश्न को अब हल करें तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, भाग करेंगे। और भाग कहाँ पर है, भाग है यहाँ पर, भाग हो रही है इन 4 और 2 के बीच में। इन 4 और 2 को मैं अगर भाग करूँ, 4 में 2 का भागा दूंगा तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी कि इन दोनों का उत्तर मेरे पास 2 आ जा रहा है, तो मैं बाकियों को वैसे लिख देता हूँ, 4 प्लस 8 गुणा 4 और 2 को भाग करके मेरा क्या आया, 2 आया, ये मैंने लिख दिया। उसके बाद क्या बचा, -4। अच्छा, इतना हो गया हमारे पास भाग है जो कि हो गया। अब हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। देखो गुणा करेंगे तो गुणा कहाँ का पर है, 8 और 2 के बीच में है। 8 और 2 को गुणा करके कितना आ जाता है, 16 आ जाता है, तो हम इसके स्थान पर 16 लिख देंगे। तो देखो अब 16 प्लस 16 ऋण 4, ये हमने लिखा, गुणा भी हमारा हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, प्लस, तो अब हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, और प्लस कहाँ पर है, 16 धन 16, 16 और 16 को जोड़ के आ जाता है 32, तो हम 32 लिखेंगे ऋण 4। 32 में से 4 को अब हमने लास्ट में घटा देना है, क्योंकि अंतिम काम हमारा घटाने का ही है। जब हम अंतिम में इसको घटा देंगे तो 32 में से 4 माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 32 माइनस 4 करेंगे तो 28 हमारा उत्तर आ जाएगा, 28 हमारा उत्तर आ जाएगा, जो कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब हम इसी में दूसरे प्रश्न पर आते हैं, आप लोगों को ये प्रश्न और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा जब हम इस दूसरे प्रश्न को हल करेंगे।
तो मैं पहला वाला प्रश्न है जो कि मिटा दे रहा हूं, आप लोग इसको देख लें, ठीक है, क्योंकि हम यहां पर फिर क्या करेंगे, दूसरे वाले प्रश्न को हल करेंगे। दूसरा वाला प्रश्न क्या कह रहा है, देखो, प्लस का अर्थ गुणा है, तो मैं पहले प्लस का अर्थ क्या बना देता हूं, गुणा बना देता हूं। माइनस का अर्थ भाग है, माइनस की जगह भाग लगा दूंगा मैं। गुणा का अर्थ ऋण है, गुणा की जगह मैं ऋण लगा दूंगा, गुणा की जगह मैं ऋण लगा दूंगा। और भाग का अर्थ प्लस है, जहां पर भाग होगा वहां पर मैं क्या कर दूंगा, प्लस लगा दूंगा। अब हम इस प्रश्न में आते हैं, प्रश्न क्या है, देखो ये प्रश्न था 9 + 8 / 8 = 4 × 9 = क्या होगा, ये हमको बताना था। देखो एक एक करके हम चलेंगे, 9 लिखा हमने, प्लस प्लस की जगह हमने क्या बनाना है, गुणा का चिन्ह बनाना है, तो गुणा बनाऊंगा मैं, 8 लिख दिया। भागा, भागा की जगह मैंने क्या बनाना है, प्लस, तो प्लस मैंने यहां पर बनाया, 8 लिख दिया। ऋण, ऋण की जगह मैंने क्या बनाना है, भाग बनाना है, तो मैंने भाग बनाया और 4 लिख दिया। और फिर गुणा, गुणा की जगह मैंने क्या करना है, माइनस करना है, और 9 करके मैं इसका आंसर अब निकालूंगा। अगर हम यही वाला नियम अपनाएं, बॉड मास वाला, तो सबसे पहले हमारा काम होगा भाग को हल करना। और भाग कहां पर है, भाग है यहां पर 8 और 4 के बीच में। 8 और 4 की अगर हम बात करें, भाग करेंगे, तो 2 उत्तर आ जाएगा। 8 में अगर हम 4 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो मैं बाकियों को वैसे ही लिख दूंगा, प्लस 2 यहां पर लिखूंगा, ऋण 9 = क्या आएगा। भाग हमारी हो गई, अब हम चलेंगे गुणा की तरफ। गुणा की तरफ अगर हम चलें तो गुणा किस किस की करनी है, 9 और 8 की। 8 और 9 को अगर हम गुणा करें, 8 × 9 = 72 हो जाता है, तो 72 में लिख दूंगा, उसके बाद प्लस 2 ऋण 9 में करूंगा, और यहाँ पर क्या आएगा ये मेरे को बताना है। अगर हम बात करें गुणा, गुणा भी हो गई, अब हम बात करेंगे प्लस की। तो प्लस में 72 और 2 को जोड़ेंगे तो 74 आ जाएगा, और 74 में से लास्ट में हमने 9 को माइनस करना है। 74 में से अगर हम 9 को माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आंसर हमारे पास 65, 65 है जो कि हमारा उत्तर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो 65 है इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह के प्रश्न अगर आप लोगों से पूछे जाएंगे तो आप लोग इनको कर ले जाना। अब हम चलेंगे कुछ और टाइप में। दोस्तों अब आपके सामने कुछ और प्रश्न हैं, मैंने आप लोगों के लिए लिखे हैं। इस प्रश्न की खासियत यह है कि आप लोगों से प्रश्न में ये पूछा जाएगा कि भिन्न कौन सा है, असमान कौन सा है, असंगत कौन सा है, या फिर विषम कौन सा है। आप लोगों को 4 ऑप्शन दिए होंगे, उनमें से ये बताना होगा कि 3 किसी न किसी प्रकार से एक जैसे हैं, लेकिन हमको उस चौथे को बताना होगा जो कि सबसे अलग होगा। जो सबसे अलग होगा उसके लिए क्या शब्द प्रयोग किया होगा, ये प्रयोग किया होगा कि इनमें से भिन्न कौन सा है, असमान कौन सा है, असंगत कौन सा है, और विसमान विषम कौन सा है। जैसे अगर हम बात करें, आप लोगों के लिए पहला प्रश्न है, और पहले प्रश्न में आप लोगों को क्या दिख रहा है, गाजर, आलू, टमाटर और चुकंदर, 4 ऑप्शन दिखेंगे आपको। आप लोगों को पहचानना होगा कि इनमें से सबसे अलग क्या होगा। अब इनकी खासियत क्या होती है, इनकी खासियत ये होती है कि 3 इनमें से किसी न किसी प्रकार से मैच कर रहे होंगे, एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे होंगे, एक दूसरे से संबंध रखते होंगे, लेकिन जो चौथा होगा वो कहीं ना कहीं इन सबसे अलग होगा। जैसे अगर हम 4 विद्यार्थियों को बात रख दें कहीं पर, एक क्लास में अगर हम 4 स्टूडेंट को खड़ा कर दें और 3 लड़कियों को खड़ा करें, एक लड़के को खड़ा करें, तो हम क्या कहेंगे कि जो एक लड़का है वो क्या है, सबसे अलग है, और वो 3 लड़कियां क्या है, वो फीमेल है। तो इस प्रकार 3ों लड़कियां हैं जो कि किसी न किसी प्रकार से एक समान है, जो कि फीमेल कैटेगरी को दिखाती हैं, और जो लड़का है वो मेल है, जो कि उन 3ों से भिन्न है। तो ऐसा ही यहाँ पर कुछ हमको देखने को मिलेगा।
अब हम देखें अगर गाजर, आलू, टमाटर, चुकंदर, इनमें अगर हम समान देखें तो कौन कौन से हैं जो कि समान होंगे। देखो अगर हम गाजर की बात करें तो गाजर कहाँ पर किस प्रकार से उगाई जाती है, जैसे अगर ये भूमि है, खेत है, खेत के नीचे से इस प्रकार से गाजर होती है नीचे से, और इसके पेड़ इसके पौधे ऊपर होते हैं। आलू की भी बात करें तो आलू नीचे होते हैं जमीन के और इसके पौधे ऊपर होते हैं। टमाटर की अगर मैं बात करूं, टमाटर का पेड़ ऊपर होता है और इसमें जो फल लगता है टमाटर, वो टमाटर यहाँ पर लगते हैं ऊपर। अगर मैं चुकंदर की बात करूं, चुकंदर भी जमीन के नीचे है जो कि अपना फल देता है, और चुकंदर का पौधा है जो कि ऊपर को हमको दिखाई देता है इसकी पत्तियाँ। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि गाजर, आलू और चुकंदर वो जमीन के नीचे से हमको प्राप्त होता है, और टमाटर जो कि हमको पेड़ से प्राप्त होता है जो कि जमीन के ऊपर है। तो इसलिए ये जो टमाटर हो गया वो क्या हो गया, सबसे अलग हो गया दोस्तों। दूसरे प्रश्न की अगर हम बात करें, जिंक, तांबा, पीतल और लोहा, ये चार ऑप्शन है, इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि अलग होगा। तो अब आप लोग अगर देखें, अगर आप साइंस बैकग्राउंड के हैं तो जिंक, जिंक का सिंबल क्या होता है, Zn होता है। तांबा, कॉपर, कॉपर का क्या होता है, Cu होता है। पीतल, पीतल को हम ब्रास बोलते हैं अंग्रेजी में, और लोहा, लोहे को आयरन बोलते हैं, Fe। यानी कि अब हम इसमें अगर साइंस वाले ना भी अगर आप हैं तो तब भी इसको ये समझो कि जो जिंक है वो किसी न किसी और अन्य धातु से मिलाकर नहीं बनाया जाता है, जिंक खुद अपने आप में एक धातु है। उसी प्रकार तांबा भी अपने आप में एक धातु है, ये किसी अन्य धातु से मिलकर नहीं बनाई जाती है। उसी प्रकार लोहा है, लोहा खुद में अपने आप में एक धातु है जो कि किसी अन्य प्रकार के धातु से मिलाकर नहीं बनाई जाती है। लेकिन अगर हम पीतल की बात करें तो पीतल जो है वो तांबा और जिंक को मिलाकर बनाया जाता है, Zn प्लस Cu, इन दोनों को अगर हम मिश्रित कर देंगे तो पीतल बनेगा। यानी कि अब आप समझ गए कि तीनों है, जिंक, कॉपर और आयरन, वो स्वतंत्र हैं, लेकिन ये जो है वो मिश्र धातु है, तो पीतल हमारा सबसे अलग हो गया, यही इसका उत्तर हो जाएगा। इस तरीके के प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे, तो दोस्तों गलत मत करके आना, ठीक है। अब हम देखेंगे तीसरे प्रश्न में। तीसरा प्रश्न देखो, लोहार और निहाई, इस तरीके का एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन हम देख रहे हैं बढ़ई और आरी का। तीसरा ऑप्शन हम देख रहे हैं नाई और कैची का। चौथा ऑप्शन हम देख रहे हैं सुनार और गहने का। तो अगर हम इसमें समझने की कोशिश करें तो नाई, नाई जो है वो अपने काम में कैची का प्रयोग करता है, यानी कि नाई का हथियार है ये कैची, नाई का हथियार है कैची। अगर हम बड़े की बात करें तो बड़े आरी से कोई भी है काम करता है, तो बड़े का औजार है आरी। अगर हम बात करें लोहार, लोहार का औजार है निहाई, निहाई मतलब जिसमें लोहार किसी भी धातु को ऊपर से रख के पीटता है, जो आधार उसको बनाता है, एक ऐसी ठोस धातु जो कि पीटने के लिए बनाई जाती है, जिसको जिसके ऊपर से रख के अन्य धातु को पीटा जाता है, तो वो होता है निहाई। यानी कि ये भी इसका क्या है, औजार है। लेकिन अगर हम सुनार की बात करें, सुनार का औजार गहना थोड़ी होता है, गहना तो आभूषण हो गया जो कि सुनार बनाता है, औजार थोड़ी है। तो ये ही हमारा सबसे अलग हो जाएगा जो कि सुनार का गहना हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार अगर हम चौथे प्रश्न में जाएं तो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं चंद्रमा और ग्रह, आकाश और तारे, स्टेडियम और खिलाड़ी, विश्वविद्यालय और विद्यार्थी। विद्यार्थी कहाँ पर जाते हैं, विश्वविद्यालय में जाते हैं। खिलाड़ी कहाँ पर जाते हैं, स्टेडियम में जाते हैं। और तारे कहाँ पर होते हैं, आकाश में होते हैं। लेकिन क्या ग्रह चंद्रमा में होगा, चंद्रमा खुद एक उपग्रह है, तो क्या ग्रह चंद्रमा में होगा, नहीं होगा दोस्तों। तो आप लोग इसको अलग कहेंगे, यानी कि इसको सबसे विषम कहेंगे। तो इस तरीके का एक टाइप का प्रश्न आप लोगों से पूछा जाता है, इसको भी आप गलत मत करके आना, ठीक है। अब हम दूसरे टाइप में एक आध प्रश्न और देख लेते हैं।
दोस्तों, अब आपके सामने कुछ प्रश्न और आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, और इन प्रश्नों को हम बोलते हैं शब्द सादृश्यता। इन प्रश्नों को हम पहले समझ लेंगे, फिर इनका उत्तर हम करेंगे। अगर हम पहले प्रश्न को देखें, महासागर जल, फिर ग्लेशियर और फिर क्वेश्चन मार्क लगा रखा है। देखो यहाँ पर इसने दो डॉट हैं जो कि इस प्रकार से लगा रखे हैं, फिर यहाँ पर चार डॉट लगा रखे हैं, फिर यहाँ पर दो डॉट और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। इसको समझने की कोशिश करना। जैसा कि हमने कोडिंग डिकोडिंग में पढ़ा था, हिंदी इंग्लिश में वहाँ पर हमने देखा था, सबसे पहली वाली क्लास में, अगर आप लोगों ने रीजनिंग देखी होगी तो। अगर नहीं भी देखी है तो आप लोग यहीं पर समझ लो इसको, ठीक है? वहाँ पर हम जाते ही नहीं हैं, फिलहाल यहीं पर हम बात कर लेते हैं। इस वाले प्रश्न में ये कह रहा है कि जिस प्रकार महासागर का संबंध जल से है, उसी प्रकार ग्लेशियर का संबंध किससे होगा? ये यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है। क्या पूछ रहा प्रश्न? महासागर जिस प्रकार जल से संबंधित है, तो ग्लेशियर किससे संबंधित होगा, ये आपको बताना है। देखो दोस्तों, महासागर में क्या होता है? जल होता है। यानी कि महासागर में क्या होता है? जल होता है। तो ग्लेशियर में क्या होगा? ग्लेशियर में ऑप्शन है आपके पास बर्फ, पर्वत, गुफा या फिर सैलानी। तो ग्लेशियर किसके होते हैं? बर्फ के होते हैं। तो बर्फ ग्लेशियर में होगी, तो हमारा जो उत्तर बनेगा वो क्या बनेगा? बर्फ बनेगा। अगला प्रश्न हम देखें, अदालत का संबंध न्याय से है, तो विद्यालय का संबंध किससे होगा? अदालत का जो संबंध है वो न्याय से है, तो विद्यालय का संबंध किससे होगा, ये हमको बताना है। तो अदालत का काम क्या होता है? अदालत में हमको क्या मिलता है? न्याय। अदालत में कोई भी जाता है तो क्या मिलता है उसको? न्याय। और अगर विद्यालय में कोई भी जाएगा तो उसे कौन मिलेगा? अध्यापक भी मिलेगा, छात्र भी मिलेगा, कक्षा भी मिलेगी, और ऑप्शन आपके पास शिक्षा। तो देखो इसका मेन मोटिव क्या है? अदालत में तो जज भी मिलेंगे, वकील भी मिलेंगे, हर कोई मिलेगा, लेकिन अदालत का काम क्या है? अदालत का काम है न्याय करवाना। उसी प्रकार विद्यालय का काम क्या है? शिक्षा देना। ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा, शिक्षा। ठीक है, इस तरीके से आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रकाश का संबंध सूर्य से है, तो ऊष्मा का संबंध किससे होगा? प्रकाश हमको कहाँ से मिलता है? सूर्य से मिलता है। प्रकाश हमको कहाँ से मिलता है? सूर्य से मिलता है। यानी कि प्रकाश का स्रोत क्या है? सूर्य। प्रकाश का स्रोत क्या है? सोर्स क्या है? वह है सूर्य। तो ऊष्मा का स्रोत क्या होगा? ऊष्मा, हीट। हीट हमको कहाँ से मिलेगी? बिजली से मिलेगी, चंद्रमा से मिलेगी, अग्नि से मिलेगी या तारे से? तो आप लोग समझ गए होंगे कि जो ऊष्मा है, जो हीट है, वो हमको ऊष्मा का सोर्स क्या है? आग या फिर अग्नि। तो अग्नि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, पुस्तक का संबंध पुस्तकालय से है, तो वृक्ष का संबंध किससे होगा? ये आपको प्रश्न पूछ रहा है। पुस्तक हमको कहाँ पर देखने को मिलती है? पुस्तकालय में। पुस्तक हमको कहाँ पे मिलती है? पुस्तकालय में। तो वृक्ष हमको कहाँ पे मिलेंगे? वृक्ष कहाँ पे मिलेंगे? तो वृक्ष हमको मिलेंगे वन में या फिर जंगल में। तो जंगल ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, वन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार है, आप लोगों ने इस प्रकार के प्रश्नों को करने हैं। अब हम एकाध टाइप और है, एकाध अन्य प्रश्न, उनको भी देख लेते हैं, फिर इस क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे। दोस्तों अब आपके सामने कुछ और प्रश्न हैं, उनको अब हम करेंगे, और फिर उसके बाद आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। तो इस टाइप के प्रश्न में क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, पहले क्वेश्चन बता देता हूँ, क्वेश्चन की प्रकृति आप लोगों को बता देता हूँ, उसके बाद हम इन पर डिस्कस करेंगे और आगे को फिर हल करेंगे। आप लोगों से प्रश्न पे कहेगा कि निम्न में से शब्दों का सार्थक क्रम कौन सा होगा? तो सार्थक क्रम आप लोगों को ध्यान में रखना है कि सार्थक क्रम आप लोगों से पूछा जा सकता है, या फिर आप लोगों से ये पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा तर्क संगत है। तो तर्क संगत भी आप लोगों से क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, या फिर आप लोगों से कहा जाएगा कि निम्न में से उचित व्यवस्थित क्रम कौन सा है। तो व्यवस्थित क्रम भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन पूछने की प्रकृति है। अब आपके सामने इस तरीके के प्रश्न दिए रहेंगे, जैसे कि पहले प्रश्न के चार ऑप्शन है, और आप लोगों को इनमें से ऑप्शन में से क्या होगा,
इस तरीके से ए बी सी डी होगा, इस तरीके से हमको क्रम दे दिया जाएगा, 4 2 1 3 और 1 2 3 4, इस तरीके से चार ऑप्शन बना देगा। मैं ऑप्शन पर जा ही नहीं रहा हूँ, ठीक है, ऑप्शन पर हम नहीं जा रहे, लेकिन इस तरीके के ऑप्शन है जो कि आप लोगों को बना के दे देगा और कहेगा कि इनमें से व्यवस्थित क्रम कौन सा है, सार्थक क्रम कौन सा है या फिर तर्कसंगत कौन सा है, तो आप लोगों को इसको समझना है। इस टाइप का जब भी आप लोगों से प्रश्न पूछा जाएगा तो आप लोग क्या करेंगे, या तो बढ़ते हुए क्रम में जाएंगे या फिर घटते हुए क्रम में जाएंगे, और अक्सर आप लोग जाने की कोशिश करना छोटे से बड़े की ओर। कहाँ से? छोटे से बड़े की ओर। जैसे एक बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले वो क्या होता है, बच्चा होता है, फिर युवा होता है, फिर वो प्रौढ़ हो जाता है, और फिर इस तरीके से वो आगे को बढ़ता जाता है, फिर एक समय ऐसा आता है कि बुढ़ापा में आ जाता है। तो ये क्या है, इसकी स्टेज है, अलग अलग स्टेज है। पहले कक्षा एक में गया, फिर दो में गया, फिर तीन में गया, चार में गया, पाँच में गया, तो इस तरीके से वह है अपनी शिक्षा को लेता है। इसी प्रकार आप लोगों से इन प्रश्नों में भी एक व्यवस्थित क्रम बनाना है। और व्यवस्थित क्रम किस प्रकार से, अगर हम पहले प्रश्न में देखें, पौधा, खाद्य, बीज, पत्ती और फूल, तो आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा कि ये कहीं ना कहीं पेड़ पौधा फूल इन चीज़ों से संबंधित है। और जब भी हम किसी पौधे की बात करते हैं तो पौधे में पत्ती कब आती है, फूल कब आता है, बीज या फिर खाद, तो इस तरीके से हम लोग अगर इसको समझें तो सबसे पहला हमारा जो पौधा बनता है उसके लिए हमको क्या चाहिए, बीज चाहिए। सबसे पहले हमको क्या चाहिए, बीज चाहिए। तो हमारा सबसे पहले क्या बनेगा, सबसे पहला जो क्रम बनेगा वो तीसरा क्रम बनेगा, सबसे पहले बीज आएगा, सबसे पहले बीज आएगा, उसके बाद क्या आएगा देखो, उसके बाद बीज से पौधा बनेगा, तो पौधा बनेगा तो एक वाला क्रम आ गया हमारे पास। बीज से क्या बनेगा, पौधा बनेगा, और पौधे से क्या बनेगा, पौधे में फिर क्या आने लगेगी, पत्तियां आने लगेंगी, तो हमारा चौथा बन जाएगा, चौथा क्रम बन जाएगा। पत्ती आने के बाद क्या होता है, उसमें फूल आने लगते हैं, तो फूल आ जाएगा पांचवे में, ये पांचवा देखो, पांचवा यहाँ पर आ गया। और अंतिम में वो फिर क्या हो जाएगा, खाद्य योग्य, तो खाद्य है जो कि फिर अंतिम में आ जाएगा, यानी कि इस तरीके का हमारा इसमें तर्कसंगत या फिर सार्थक क्रम कहो या फिर व्यवस्थित क्रम कहो, 3 1 4 5 2, अगर आपको जो भी ऑप्शन में ये दिखाई देगा आप लोग इसको टिक कर लेंगे, ठीक है। उसी प्रकार अगर हम बात करें परिवार, समुदाय, सदस्य, मोहल्ला और देश, तो यहाँ पर ये कुछ ना कुछ इस तरीके का हमको दिखाने की कोशिश कर रहा है कि सबसे बड़ा देश है, सबसे बड़ा क्या है, देश है। और देश कहाँ से मिलके बनता है, देश परिवार, सदस्य, मोहल्ला सभी से मिलके बनता है। तो अगर हम सबसे छोटे सदस्य की बात करें देश में, तो सबसे छोटा इकाई होगा वो होगा सदस्य, सबसे छोटा क्या होगा वो हो गया सदस्य, तो हम सदस्य लिख लेते हैं। सदस्य के बाद क्या बनेगा, परिवार, सदस्यों को, दो तीन सदस्यों को मिलकर एक परिवार बनाएंगे हम, परिवार। अब जब परिवार, दो चार परिवार जहां पर मिलेंगे वहां पर क्या बन जाएगा, मोहल्ला बनेगा, तो मोहल्ला हमारे पास यहां पर क्या बन गया, परिवार के बाद। अब दो चार अगर मोहल्ले आपस में मिल जाएंगे तो वो क्या बनाएगा, एक प्रकार का समुदाय बनाएगा, तो हम लिखेंगे फिर समुदाय। और जब बहुत सारे समुदाय आपस में मिल जाएंगे तो एक देश का निर्माण करेंगे, तो इस प्रकार हमारा ये सार्थक क्रम बन जाएगा दोस्तों, ये क्या बन जाएगा, एक सार्थक क्रम बन जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम बात करें अगले उसकी, तो इसमें हम देख रहे हैं परिवीक्षा है, साक्षात्कार है, चयन है, नियुक्ति है, विज्ञापन है और आवेदन है, तो ये हमको कहाँ पर देखने को मिलता है, ये आप लोगों के दैनिक जीवन में ही देखने को मिलता है कि जब आप किसी पोस्ट को फिल करते हैं, जैसे कि आपने पुलिस का फॉर्म भरा तो उसमें आवेदन किया, विज्ञापन आया, फिर आपकी नियुक्ति हुई, साक्षात्कार हुआ, क्या क्या हुआ, वो सारी चीज़ें आती हैं। तो यानी कि इसमें सबसे पहले क्या होगा, विज्ञापन जारी किया गया होगा आयोग के द्वारा, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, विज्ञापन लिखेंगे।
विज्ञापन लिखेंगे सबसे पहले, हमारा सबसे पहला कर्म बनेगा विज्ञापन का। विज्ञापन के बाद आप लोग क्या करते हैं, क्या आपका नियुक्ति हो जाती है विज्ञापन के बाद? नहीं। क्या आपका आवेदन चयन हो जाता है? नहीं। तो क्या होता है यहां पर, होता है विज्ञापन के बाद आप लोग आवेदन करते हैं। आप लोग क्या करते हैं, आवेदन करते हैं, आवेदन। और जब आप लोगों ने आवेदन कर दिया तो उसके बाद पेपर होगा। पेपर को हम क्या कह रहे हैं, साक्षात्कार। तो साक्षात्कार होगा आवेदन के बाद, साक्षात्कार। और जब आपका साक्षात्कार हो गया उसके बाद आपको चयनित कर दिया जाएगा, चयन आपका हो जाएगा। और जब आपका चयन हो गया तो नियुक्ति दे दी जाएगी। नियुक्ति देने के बाद आपकी फिर परिवीक्षा होगी। क्या होगी? परिवीक्षा होगी, जो कि अंतिम चरण बनेगा। तो इस प्रकार आप लोग इसका व्यवस्थित क्रम है जो कि बनाएंगे। इसी प्रकार अब हम लास्ट वाले पर चलते हैं। आप लोगों को दिख रहा है टेबल, वृक्ष, लकड़ी, बीज और पौधा। तो देखो ये जो आप लोगों को इसमें एक सार्थक क्रम क्या देखने को मिलेगा, सबसे पहला आएगा बीज। बीज से क्या बनेगा? पौधा। बीज से क्या बनेगा? पौधा। पौधे से क्या बनेगा? वृक्ष। वृक्ष से हमको क्या मिलेगी? वृक्ष को काटकर लकड़ी मिलेगी, और लकड़ी से हमारा क्या बनेगा? टेबल बन जाएगा। तो ये एक व्यवस्थित क्रम हो गया, नहीं हुआ? हो गया दोस्तों। तो इस प्रकार है, हमने आज के वीडियो में कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन आप लोगों को कराए, और ये आपके आने वाले पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होंगे, और पटवारी लेखपाल के लिए भी और फॉरेस्ट गार्ड के लिए भी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर देना। थैंक यू सो मच।